रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा होने पर घोषित उम्मीदवार बजरंग महतो का जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुन्ना पासवान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के क्रम में उन्हें पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने फूल माला से लाद दिया और उन्हें मिठाई खिलाई गई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बजरंग महतो ने कहा कि पूर्व विधायक ममता देवी के द्वारा किए गए कार्य और गुंडा राज की समाप्ति ही उनका मुख्य मुद्दा होगा। मुद्दे बहुत सारे कुछ झारखंड सरकार के जो जितना काम पूरे झारखंड में किए माननीय विधायक जी किए, इन सब चीजों को हम लोग लेके जा रहे हैं गाँव में, टोला में, मोहल्ला में जा रहे हैं कि जो विकास चौधरी 15 साल से नहीं कर पाए, विकास का नाम बोलते हैं, उनका अधूरा काम को तो हम लोग पूरा कर रहे हैं। उनका जो छोड़ा हुआ भ्रष्टाचार का जो काम उनका हम लोग पूरा कर रहे हैं, ये देखने का चीज है। और सभी जनता पूरा जागरूक हो चुकी है, अब जनता वो 15 साल पहले वाला का स्थिति नहीं है। जनता सब जाती है, जनता पूछती है, खड़ा होती है, आपने क्या करना है, क्या किए नहीं किए, अब सबको हम फेस करते हैं। और आप देख ही रहे विपक्ष के जो प्रत्याशी कहाँ है। इस दौरान अमित महतो भी मौके पर उपस्थित थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह कांग्रेस पार्टी और पार्टी के उम्मीदवार के साथ हैं और आगे भी उनके साथ रहेंगे। अभी भी साथ हैं और हमने हर स्टेटमेंट में दिया कि हम एक लक्ष्मण की तरह अपने भाई के साथ हैं और पहले भी थे और अभी भी है, इसमें कोई ये नहीं देखिए, उसमें भी हमारा कोई मकसद था, उस मकसद का खुलासा होगा। और बहुत ही पार्टी जो निर्णय ली है हमारे बड़े भाई को देने टिकट के लिए फुल समर्थन, समर्थन क्या, जब हमारा घर हमारा पूरा कांग्रेस परिवार इनके साथ है तो हम अकेले क्या हो सकता है, इसलिए पूरे कांग्रेस परिवार एक विपक्ष की यहाँ चर्चा ही नहीं करना है। ये विपक्ष सीधा एक बच्चे का जिक्र हर माइक पे वो लोग कर रहा है। इतना जान लीजिए कि रामगढ़ विधानसभा में कृष्ण का जन्म हो चुका है, अब आप जान सकते हैं कृष्ण अब कंस कहाँ जाएगा। न्यूज विंग के लिए रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर, संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आर के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।